और यहाँ पे सभी श्रद्धालु आते हैं और भगवान की अनेक प्रकार की मनोकामना पूरी करते हैं। तो सर ये ध्वज है मजदूर संघ का ध्वज है, ठीक है, विशाल है, और ये कितने फीट का है और कितने कितने ऊंचाई और कितने मीटर का ये ये कम से कम अपने 11 मीटर का होगा ये। और ये श्रद्धा से सब मजदूर अपने करते हैं यहाँ पे महादेव जी को चढ़ाने की। हाँ महादेव जी चढ़ाते हैं और वैसे भी पुण्य में चढ़ाते हैं ये। और यहाँ पे सब मजदूर अपना सहयोग देते हैं और श्रद्धा से आनंद लेते हैं, ध्वजा को लहराते हैं, भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। मेरे साथ है सर, क्या नाम है आपका? तो ये जो ध्वज है विशाल ध्वज है, ठीक है, इसके बारे में हमारे चैनल है उनके माध्यम से बात करना चाहते हैं। हर साल हमारे मजदूर यूनियन की तरफ से ये निशान ध्वजा चढ़ाई जाती है। आपका परिचय नाम? हमारे मेला ये ध्वज चढ़ाने की परंपरा है, ठीक है। कितना मीटर लंबा है भाई? 11 मीटर का ये ध्वजा है। मेरा नाम पवन कुमार जैन है, मैं रॉक फेस्टिवल मधुश्री का महामंत्री हूँ। हमारे साथ में अध्यक्ष श्री जयराम मीनाली और पूरी कार्यकारिणी मौजूद है। और रॉक फेस्टिवल मधुश्री की ओर से आयोजन के सहयोग से आज प्रतिवर्ष की भांति ये ध्वजारोहण का जामेश्वर जी भी किया जा रहा है, क्योंकि जामेश्वर जी प्रकृति का देव है। यहाँ पर जो भी मनोकामना की जाती है वो सब पूरी होती है। और आर एस एम झामर कोटला और लगा है ऐसे चल रहे हैं। और मैं रॉकफेस्ट मधुश्री के अध्यक्ष और कार्यकारिणी को धन्यवाद देता हूँ इस कार्यक्रम को पूरा सहयोग करके। हमारे सरपंच साहब जगाराम जी और शंकर जी और सभी का भैरूलाल जी, इन सबका पूरा सहयोग है। और हर वंश की बात ये लालू राम जी भी हैं और पूरी कार्यकारिणी हरिराम जी, मनोहर जी और सारे लोग कार्यकर्ता आज अभी मौजूद हैं। और सबके प्रतिनिधि और सबकी ओर से आरसीबी की ओर से रॉक मधुश्री की ओर से जामेश्वर महादेव पर ये झंडारोहण किया जाएगा और हर वंश की बात ये किया जा रहा है। मैं अध्यक्ष महोदय से चाहूंगा कि सबको धन्यवाद और आभार प्रदर्शन। जैसा कि आपको पता है कि मैंने यहाँ के जो यूनियन के अध्यक्ष हैं उनसे मैंने बात करवाई थी और आगे का जो व्यू मैं और बताने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। Yeah.
वैशाख का पूर्णिमा का दिन यहाँ पर मेला पड़ता है और यहाँ पर काफी उम्र पड़ती है। जैसे की आपको बताएंगे महादेव जी का जो गुफा स्थान है उनमें स्वयं शंभु यानी कि खुद से प्रकट हुए शिवलिंग है और यहाँ पर उदयपुर के आसपास के क्षेत्र से यहाँ पर काशी देवी दर्शन के लिए पहुँच गए हैं और अपनी आस्था को यहाँ पर प्रकट करते हैं। सामने ठीक सामने एक हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है और आप देख सकते हैं प्राकृतिक रूप से एक प्रकृति देखने के लिए स्थान बहुत अनुकूल है। सर आपका क्या नाम? मेरा नाम हमलाल है। जो हमारे YouTube चैनल पे आपको देखने वाले उनको आप क्या देखिए, आज हर साल की पार्टी है हमारे वैशाख की पूर्णिमा को गाँव से महादेव का होने लगता है और हमारे आस पास गाँव से काफी लाखों की तादाद में यहाँ भीड़ एकत्रित होती है और यहाँ भोलेनाथ सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बिल्कुल, मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होती है और यहाँ पर जो मन्नतें मांगी जाती है वो पूर्ण होती है और यहाँ पर जो वैसा ही आपको दिख रही है क्या नाम है? शंकरलाल नाम है। कहाँ से आप? मैं जामेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट का महामंत्री हूँ। महामंत्री जी आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर और क्या कहना चाहोगे हमारे जो आपको भेट रहे किस संबंध में जो यहाँ पे जो इतने भक्त आते दूर दराज कई वर्षों से भोलेनाथ के इसकी इतनी पुरानी आस्था है और इतना बड़ा चमत्कार है कि जो मांगे भी यहाँ से मिलता है। इससे वर्षों से ये वैशाख पूर्णिमा का मेला आयोजित होता है और साल में दो चीजें बहुत ज्यादा बड़े होती है, एक शिवरात्रि का और वैशाख पूर्णिमा का जो तीन दिन लगातार चलता है, चार पाँच और छह पर लगातार होती है। सोमवार को भी यहाँ पर भक्त लोग वैशाख महीना जब से वैशाख महीना शुरू होता है तब से तब तक हर दिन मेला रहता है लेकिन विशेष तौर से हर सोमवार को क्या बोले आपका बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हो कि पुलिस प्रशासन के द्वारा भी यहाँ पर कोई अनहोनी घटना नहीं है, उसके लिए काफी जाता भी यहाँ मौजूद रहता है। आज के दिन और कानून व्यवस्था भी यहाँ पर बना रहती है और यहाँ के जो कार्यकर्ता है आसपास के ये भी यहाँ पर खासी संख्या में पहुंचते हैं और यहाँ पर भक्तों को कोई परेशानी नहीं हो इसके लिए काफी व्यवस्था भी करते हैं और यहाँ का समय समय पर फीडबैक लेकर जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो जो कुछ कहना चाहोगे आप दो लाइन में हमारे देखने वाले होंगे। हमारे ग्राम मंत्री जामा की ओर से सभी भक्तजनों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ और चैनल के माध्यम से सभी को बताना चाहता हूँ कि महादेव के चरणों में जो भी आता है वो खाली हाथ में जाता है और साथ ही यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु की मनोकामना पूरी होती है और यहाँ के हर बंदा इस मेले में आने के लिए उत्सुक होता है, भावुक होता है और सारे वहाँ के मेले में इंतजार करता है वैसा पूर्णिमा कब आए और हम मेला देखे मेला का बहुत मेला रहा और मतलब मेवाड़ का अमरनाथ माना जाता है, मेवाड़ का अमरनाथ माना जाता है और भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर मिले इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। और सर मैं यू कहना चाह रहा हूँ जो शिवलिंग है अंदर ठीक है इसके बारे में थोड़ी हमारे जो दर्शक है उनको जानकारी दे दो किस तरह से वो आए थे उनका थोड़ा सा छोट में कोई इतिहास बता दो हमारे तो अच्छी बात है। अच्छा ये
और बताया जाता है कि आज से मतलब 500-600 साल पहले एक जामा बाबा करके एक जो संतालु था वो गया, उसकी गाय शरण आती थी। जामा बाबा गाय शरण आती थी, तो गाय क्या हो गया, बचले बचरा जो घर पे वो भूखे मतलब दूध यहाँ चढ़ा के चले गए, प्राकृतिक स्वयंभू यानी कि बुद्ध से प्रकट हुए स्थान।